कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और आज देश भर के तमाम सारे दिग्गज कर्नाटक में हैं। प्रधानमंत्री, इसके अलावा गृह मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस की भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और इसके अलावा राहुल गांधी समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव भी आज कर्नाटक के रण में है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी। सर, समूचा नीति अगर कहें तो कर्नाटक पहुंच गया है और जिस तरीके से लड़ाई वहां पर दिख रही, कैसे आप देखते हैं? ये अंतिम दौर है, स्वाभाविक है, एक दिवसीय चुनाव है तो सारे दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, चार जवान, पांच जवान शहीद हो रहे हैं कश्मीर में और प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं। मणिपुर में शूट एट साइट का ऑर्डर, आवश्यकता है कि वहां पर तत्काल राष्ट्रपति शासन लगा के सेना को सुपुर्द किया जाए, सेना की देखरेख में शांति बनाई जाए, क्योंकि एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है। परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी सब मस्त हैं, चुनाव प्रचार में इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लाशें गिरती रहे। सर, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव का पहला दौर हो चुका है, दूसरा दौर आने वाला है, किस तरीके से पहले दौर को देखते हैं और दूसरे दौर में कांग्रेस को क्या उम्मीदें हैं? देखिए, इसे दो टुकड़े में अगर बांटें तो जिन नगर निकायों में, मेरा कहना है सदन जो आपको नगर निगम है जहां भाजपा काबिज है, वहां मतों का प्रतिशत बहुत कम है। इलाहाबाद, प्रयागराज जैसे कई जगहों पे तो 25-30% है। ये जनता का 5 साल के भाजपा के शासन के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करता है। ग्रामीण अंचलों में जहाँ टाउन एरिया है या छोटी नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ संघर्ष है। और मुझे लगता है कि जहाँ जनता ने 50% से ऊपर वोट किया है, वहाँ स्वाभाविक रूप से शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, ये एक अच्छी बात है। एक सवाल और है, अगर बात करें तो जिस तरीके से कर्नाटक में आप लोग के मैनिफेस्टो में बजरंग दल के बैन करने को बात आई, बीजेपी अब पूरे देश भर में इसको बजरंग बली से जोड़ के प्रदर्शन कर रही है। इसे कहते हैं हताशा, निराशा, और जब सब कुछ समाप्त हो जाए तो जिसको कानून व्यवस्था बनानी है, जिसकी जिम्मेदारी है, वही भाजपा कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर लगी। यानी बजरंग दल पर प्रतिबंध हो गया, भगवान हनुमान की पूजा पर, भगवान हनुमान की मंदिर पर तो नहीं हुआ, तो कहाँ तक ये दिवालियापन दिखाता है भाजपा का। आपने गोवा में भगवान शिव के साथ जुड़ी हुई राम दल जो पार्टी थी, वहाँ रामसेना थी, उसको प्रतिबंधित किया भाजपा ने, तो यानी भगवान राम को प्रतिबंधित कर दिया। छोड़िए, शिवसेना को विखंडित कर दिया महाराष्ट्र में, भगवान शिव को विखंडित कर दिया भाजपा ने। तो कुल मिलाकर ये दिवालियापन है दिमाग का, ये राजनीतिक मुद्दे नहीं, आज महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगे, जो एक ऐसा संगठन है जिसकी गतिविधियां वहां लोगों को ऐसी लगती होंगी कि प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, और आप खुद सरकार में रहते हुए रामसेना को प्रतिबंधित करते हो, आप खुद सरकार में रहते हुए शिवसेना के दो फाड़ करते हो, तो यानी राम और शिव को आपने प्रतिबंधित कर दिया, उनके दो फाड़ कर दिए भगवान शिव के, दिमाग की दिवालियापन। शुक्रिया। बातचीत करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दे पर एबीपी गंगा से खास बातचीत की। कृष्ण गोपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।